हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द CVM, जहां आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी मूवी को जिसमें एक्शन है, कॉमेडी, इमोशन, ये तीनों चीज़ें हैं। और ये फाइनल चैप्टर है उन मूवीज़ का जो इसके पहले के दो पार्ट्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, जिसको डायरेक्ट और लिखा है जेम्स गन ने, जिन्होंने इसके पहले के वॉल्यूम 1 और 2 को भी डायरेक्ट किया था। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज़ हुई थी 5 मई को, जिसका रन टाइम है 2 घंटा 30 मिनट, और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 की। और बात करें इसकी कहानी की, तो वो शुरू होती है द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के आगे से। अगर आपने द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का रिव्यू नहीं देखा है तो आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी को रॉकेट के कैरेक्टर को सेंटर पे रख कर के बनाया गया है, उसकी बैक स्टोरी सेटअप की है। और दूसरी तरफ पीटर क्विल दुखी है गमोरा के ना होने से। और बात करें इस मूवी के विलेन की, हाई एवोल्यूशनरी, जिसको परफॉर्म किया है मिस्टर चुकवडी वूजी ने, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रोल किया है। खैर, इससे ज़्यादा अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो आपके लिए स्पॉइलर होगा। और बात करें एडम वॉर्लॉक के करेक्टर की, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस ही किया गया है इस मूवी में, और इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं था। अगर बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो वो केवल बहुत ही माइनर से हैं, उस पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मूवी काफ़ी लंबी बन गई है, तो मेरा यकीन मानिए आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे। और अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए इसको आप देखिए, कि इस टीम को बहुत ही इन्जॉय करेंगे और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ मैं किसी और मूवी या सीरीज़ के रिव्यू के साथ। सी यू।